मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। भोपाल, सीहोर, विदिशा, गुना सहित अन्य शहरों में आज शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने टीकमगढ़, निवाड़ी, सीहोर, रायसेन, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवानी और बालाघाट जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, धार, देवास, राजगढ़, दामोह, सागर, छतरपुर, पन्ना, मंडला, बुरहानपुर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कटनी जिले में भारी बारिश के बाद 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ग्राम ढीमर खेड़ा, उमरिया, पान सहित अन्य गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए थे। हालांकि अब बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों में पानी घुस गया था और सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने अगले दिन 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। धार, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं 28 और 29 जुलाई को रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में तेज बारिश और भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, गुना, अशोकनगर सहित बाकी जिलों में मध्यम से हल्की बारिश का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न समस्याओं के निपटान के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF, होमगार्ड और पुलिस प्रशासन टीम की सहायता लेने के निर्देश दिए। साथ ही सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हर संभव मदद करने के निर्देश भी दिए।